हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा को आज सभी ग्लोबल एक्टर के तौर पर जानते हैं। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने और बॉलीवुड में पहचान बनाने के बाद हॉलीवुड का रुख किया था। हालांकि इसके बाद भी उन्हें वहां पर स्ट्रगल करना पड़ा था। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी प्रियंका ने वहां पर जीरो से शुरुआत की। ये प्रियंका की लाइफ का डार्क फेज था। इंडस्ट्री में ना कोई दोस्त, ना ही वो किसी को जानती थी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी में भी उनका कोई जानने वाला नहीं था। हालांकि इतने मुश्किल के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी, फिर भी वो लड़ी और खुद की पहचान बनाई। प्रियंका ने 2017 की फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड डेब्यू किया था। दरअसल ये सारी बातें खुद प्रियंका ने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान कही। कैवनॉग जेम्स के पॉडकास्ट में प्रियंका ने हॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा, इस इंडस्ट्री को मैं नहीं जानती थी, वहाँ के लोगों को नहीं जानती थी, मैं बहुत अकेली थी और ये सब बहुत डरावना था। न्यूयॉर्क शहर भी मेरे लिए अंधकार से भरा पड़ा था। प्रियंका ने बताया कि वो 6 टॉप मैगजीन कवर में शामिल की गई थी। इंडिया में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हॉलीवुड में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, वहां के लोग प्रियंका से मीटिंग करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, जो काफी अजीब था। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रियंका ने खुद को प्रूव किया और टूटने नहीं दिया। प्रियंका ने आगे बताया कि वो बहुत पॉजिटिव महिला है। उनका मानना है कि जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तब आपको सिचुएशन के साथ समझौता कर लेना चाहिए। यही वो वजह रही जिसके सहारे उन्होंने खुद को मुश्किल दौर से बाहर निकाला। वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये डायलॉग अब ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका पर भी फिट बैठता है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।